मालेगांव वार्ड नंबर 3 रमदानपुरा घट नंबर 175 का यह हाल। ये रोड जो है आज से 6 महीने पहले बना और 6 महीने में 8 दिन का मैं ये रोड तोड़ दिया गया। इससे पहले इससे मत था, पाइपलाइन डाले थे, 6 दिन पाइपलाइन निकाल दिए। पूछे तो बोले यार इससे मैं पूछता था, तो अभी ये किसके पूछता है? ये महागठबंधन वाले और ये कांग्रेसी, समझे ना, ये दोनों मिली भगत कर रहे, बेवकूफ समझ रहे ओहम को। कचरे का अंबार लगा हुआ है, लोग एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह बीमार पड़ रहे हैं यार। और दवा का सरकारी दवाखानों में दवाइयां तक के नहीं है, मच्छर दुनिया भर के हैं और किसी को ओहम से कोई मतलब नहीं है। हमारे इस नंबर 3 वार्ड में महागठबंधन के चंदगी में ही कैंसर से बुरी बीमारी थे और ये आपस में कांग्रेसी लड़ रहे हैं और गठबंधन वाले लड़ रहे हैं, समझे ना, और सिर्फ ओवाम को बेवकूफ़ बना रहे। वो इसकी चड्डी उतार रहा, वो उसकी चड्डी उतार रहा, क्या है ये? अभी परसों दिन बारिश यहाँ पर गिरी, फिर क्या हाल था जाने के लिए यहाँ से? परसों के दिन बारिश हुई भैया, एक ड्राइवर का इंतकाल हुआ, समझे। अब मैयत जाने के टाइम तो जनाजा ऐसे ऐसे ढोलता था जैसे साला जलजला आ गया। और कई लोग यहाँ से औरतें अंडर डबल अंडर से पानी भरते भरते गिरे, आदमी लोग गिरे, बूढ़े बेचारे गिरे। अरे यहाँ तक मैं भी गिरा भैया, क्या मेरे कुल्ले में मार लगी। और ये कमिश्नर जो है ना, उसको इधर आने ही नहीं देते। कमिश्नर का काम है यहाँ पर आके जो है देखे अपनी आँख से, जरा आके दो चक्कर लगा के देखे। कमिश्नर अगर दयाना रमजानपुरे में आती है तो उसको समझ में आएगा कि यहाँ पर कितनी तकलीफ है। एक भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो ठेकेदार करते ही हैं, साथ में ये जो कारपोरेटर हैं, ये जो खाली सही करने का जो कमीशन लेते हैं, ये वो लोग भी जैसे कोई अच्छा नहीं है भैया। ऊपर से लेके नीचे तक सब जिंदर है, समझे ना। अगर ये जलिंदरों को जूते से मार के हटा लो, इलेक्शन में इनको जूते से मारो, वोट मत जूते से मारो। बस अवेलेबल साइडिंग के पीछे का जहाँ पे आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है और यहाँ के आवाम जो है तो महानगर पालिका के लोगों से बहुत परेशान है, जिनकी वजह से ये खड्डे खोदे गए। वर्षों बाद यहाँ पे एक रोड बनी थी जिसकी वजह से आने जाने की जो दिक्कत थी वो खत्म हुई थी, लेकिन कुछ अमृत योजना के अंतर्गत जो पाइपलाइन डाली गई उसकी वजह से यहाँ पर पूरा गड्ढा खोदा गया दोनों साइड पर और पूरी रोड को सत्यानाश किया गया। और यहाँ पर अभी यहाँ पर हमारी माँ बहनों को चलने के लिए रास्ता तलक नहीं है, तो हमारी माँ बहनें यहाँ का क्या बोलती है? आप क्या बोलती है रोड के बाद? रोड बनाए फिर खोद दिया, नाला आ गया, पानी बहाने की जगह नहीं है हम लोग के इधर। अब घर में पानी घुसता बारिश आती तो इतनी तकलीफ है। 175-3 में घट नंबर बोलो कि भाई हमारा ये काम कर दो, तो बोलते हाँ हाँ धीस होएगा, तुमको वहाँ जाना पड़ेगा, म्युनिसिपैलिटी जाओ, वहाँ तुम लोग धरना दो, वहाँ तुम लोग बोलो तो काम होगा। तो हम लोग वहाँ जाकर रोड थोड़ी दिए थे, तुम यहाँ आकर रोड लेते और बाद में बोलो कोई काम के लिए, तो बोलते वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। मच्छर इस कदर है कि सोना दुश्वार। लोगों का ये कहना है कि कमिश्नर मैडम खुद आके हमारा रमजान पूरा पूरा चेक करे कि यहाँ पे काम कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है कि नहीं। तकलीफ बोला 175-1-2-3 गट नंबर, यहाँ पे घर से बाहर निकलना दुश्वार है, मुश्किल है एकदम। ये हाथ कैसी का टूटा तुम्हारा? रोड पे से गिरी था हाथ, ये रोड खुदा इसकी वजह तुम्हारा हाथ टूट गया। हाँ, कमिश्नर साहब ने उनके ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए। हाँ, इंक्वायरी करते होगा, इंक्वायरी की जरूरत है। टेडी, ये रोड से मस्जिद तक के जाने के लिए बहुत ज़्यादा पीछा है और नमाजी को आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कई बुजुर्ग लोग ये गिर भी चुके हैं यहाँ पर और कई
बिल भी निकला है, पास भी हुआ है, सब खा गया, अभी तक रोड का काम अधूरा पड़ा है। ऐसे ठेकेदार के खिलाफ में तुम क्या चाहेंगे? यहाँ से इनका जो है तो ऐसे कारोबारों के लिए और ऐसे ठेकेदारों के लिए इनको ठेका नहीं देना चाहिए और इनका बायकाट करना चाहिए। जिस जगह का काम है उसी जगह होना चाहिए कि दूसरी जगह ले जाकर काम करके अपना एरिया सुधारते हैं। जहाँ का काम होता है वहाँ की पब्लिक परेशान रहती है, वहाँ क्या इंसान नहीं रहते, उनको भी तकलीफ है, उनको भी हालात से दो चार होना पड़ता है। और आज 20 साल हो गए इस सिलसिले में हम लोग बहुत दौड़ धूप किए, लोगों के पास गए, बातचीत किए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे ही अवामी बिदारी वाली न्यूज़ के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।